आजकल टीवी अखबार मोबाइल कुछ भी देख लो आप अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं और कुछ न्यूज चैनल वो फिर ऐसी खबरें लेके आते हैं कि आप हैरान हो जाते हो। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कीनिया से कि कीनिया की विधानसभा में किसी सदस्य ने चलते सदन में ऐसी गैस छोड़ी कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये रियल न्यूज है अर्चना जी। ओह गॉड, पहली बार हुआ होगा कि सड़न की वजह से सदन स्थगित हुआ। ओह अच्छा, वैसे ऐसे आदमी का फायदा भी है, कहीं लोग धरने में बैठे हो, पुलिस को लाठी चार्ज, कोई आंसू गैस की जरूरत ही नहीं, ऐसे आदमी को बीच में बिठा दो और पीछे से बोल दो फायर, एक मिनट में मैदान खाली। अच्छा, ब्रिटेन से खबर आई, एक लड़की ने कम से कम 200 लड़कों के साथ डेट की, उसको कोई पसंद नहीं आया, हार के उसने कुत्ते से शादी कर ली। क्या बात कर रहा है, सच्ची खबरें हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, पर एक बात अच्छी है, अब इस लड़की का हस्बैंड ये नहीं बोल सकता कि शादी के बाद कुत्ते जैसी हालत हो गई, क्योंकि वो तो है ही कुत्ता। हरियाणा के गांव में एक आदमी ने अलग ही तरीका अपनाया, उसने फसल के ऊपर ना देसी गारू का छिड़काव करना शुरू कर दिया। क्यों? उसने सोचा होगा कि जब दारू पी के आदमी लहराता, हो सकता है फसल भी लहराए। अब पता नहीं। अभी बीच में खबर आई कि चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, ये हमारे दास दादा ये पीछे पड़ गए, बोलते मुझे ले जाते, मैं अच्छी फोटो खींचता उधर, पृथ्वी की फोटो खींच के भेजता। मैंने कहा दादा 20 मीटर दूर श्रद्धा कपूर बैठी होती है, उसकी फोटो आप खराब कर देते हो, अनु कपूर जैसी लगने लगती है, तो पृथ्वी की फोटो कहां से खींच दो दादा। पिछले दिनों राहुल बोस एक एक्टर है, उन्होंने अपना एक वीडियो डाला जिसमें होटल ने उनको चार्ज किया 2 केलों के 450 रुपए। अब मैं सोचता हूँ ये जो केले हैं इनको छिलके क्या मनीष मल्होत्रा ने पहनाए होंगे, इतने मतलब महंगे केले। सोचो आप कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खबर आई, एक आदमी फ्लाइट में बैठा हुआ था और ऐसे लड़कियों को ताड़ रहा था, तो उसकी बीवी बगल में बैठी हुई थी, उसने लैपटॉप उठा के उसके सर पे मार दिया। वेरी गुड। पर ये आदमी लोगों की आदत भी खराब है, पर जब घर से टिफिन लेके निकले हो तो दूसरों की थाली में क्यों झांकते हो। तो दूसरों की बिरयानी ताड़ने से अच्छा अपनी खिचड़ी ठीक है। अच्छा, फ्लोरिडा से एक और खबर आई, एक बच्चे ने 911 पे कॉल करके पुलिस को पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अच्छा, कमाल की बात ये, पुलिस पिज्जा ले भी आई। व्हाट, ये कहीं अपनी कंट्री में होता पुलिस को फोन करके पिज्जा ऑर्डर करते, घर आके आदमी के दोनों बर्गर सुझा के जाती। ब्राजील से एक खबर आई होगी, आपने सुनी होगी कि एक आदमी गैंगस्टर था, जेल में था, उसकी बेटी मिलने आई, बेटी के कपड़े पहन के भाग गया। पकड़ा तब गया जब वो बाथरूम गया, उसने आईना देखा ही नहीं। पुलिस ने बोला ये कैसी औरत है जो आईना नहीं देखे गई, वो तब पकड़ा गया। कैसी कैसी खबरें आ रही देखिए। पिछले दिनों खबर आई कि एक बोलने वाले तोते ने एक महिला को उसके पति के सामने डायन कह दिया। ओह, तो जो बीवी थी तोते से ज्यादा पति पे भड़क गई, कहती तुम क्या चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। कह रहा तोते ने कहा तो इतना भड़क रही, मैं कहूंगा तो मुझे मार दोगी तुम। अजीब अजीब खबरें। एक खबर आई कि पेरू में शादी के वक्त दूल्हे की पिटाई करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ शादी वक्त नहीं होता ये। बाकी बाद में। अच्छा, आजकल जो न्यूज रूम डिबेट चल रही होती है, अलग अलग पार्टियों के चार चार बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं, बीच में एक फीमेल एंकर बैठी होती है, उसके पास एक पावर होती है, बीच में कभी भी किसी को भी म्यूट कर सकती है। कोई नेता बोल रहा ना हमारी पार्टी ने जो विकास किया है वो विपक्ष में नहीं कर पाएगा। एंकर एक दो बार प्यार से समझाती भी, ब्रिजमोहन जी सुनिए शांत हो जाइए, ब्रिजमोहन जी मुद्दे पर आइए, ब्रिजमोहन जी, उसके बाद भी हटता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है हमारी पार्टी ने जो किया, फिर वो एकदम से बोलती इनका ब्रिजमोहन जी का माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो वो पीछे बोलता रहता हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसको लग रहा है वो बोल रहा है, और न्यूज देखने वालों को पता होता कि ये बोल नहीं रहा, उसकी आवाज बंद होती, वो लगा होता है। अच्छा, न्यूज पर भी किसी ना किसी का सीजन चलता है, आप कभी गौर से देखना, अगर एक आदमी को पकड़ लेंगे ना तो उसी को पकड़े रखते हैं, जैसे धोनी को पकड़ लिया तो उस पे सारी न्यूज बनाएंगे, विराट कोहली को पकड़ लिया तो उसके पीछे पड़े रहेंगे। हाँ। अच्छा, ये तो फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तैमूर बेचारा छोटा बच्चा, करीना कपूर सैफ अली खान का बेटा, उसके पीछे लगे रहते हैं। एक बार करीना कपूर को तैमूर मिल नहीं रहा था, उसने फिर खुद न्यूज चैनल लगाया, कहती हो छत पे है पकड़ के ला। आजकल व्हाट्सएप पे विश करने का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, कुछ लोग तो सुबह सुबह उठते गुड मॉर्निंग के साथ दो दो गुलदस्ते भेज देते हैं। हाँ। अगर आज व्हाट्सएप चार्ज करने लगे, क्योंकि गुलदस्ते पे 10-15 रुपए लगेंगे, मजा आला किसी को बर्थडे पे भी विश कर दें ये लोग। तारीफ का क्राइटेरिया जो है वो भी सोशल मीडिया पे ही आजकल हो गया है,
लेडीज सब्जी बनाती ना सबसे पहले फोटो फेसबुक पे डालती भिंडी दो प्याजा फिर आदमी अगर बोलता ना सब्जी अच्छी नहीं बनी तो भड़क जाती क्यों 250 लाइक आए फेसबुक पे आदमी और भड़कता है फिर आदमी बोलता है फेसबुक वालों ने टेस्ट नहीं किए ये उनको खिला फिर देखना क्या नीचे लिखते हैं सब्जियां खिला के मारने वाली हत्यारन हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ आपने कभी कोई ऐसी वियर्ड न्यूज़ सुनी है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं जी हेलो कपिल सर हेलो अर्चना मैम मेरा नाम अमनदीप है मैं अमृतसर से आई हूँ अरे वेलकम मेरे शहर से आई आप थैंक यू अभी जैसे आपने इतनी सारी वियर्ड न्यूज बताई तो थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था कि एक सांप ने मॉडल को काटा और सांप मर गया जो मॉडलिंग करती है वो वाली मॉडल हाँ जी हाँ जी ऐसे क्यों ऐसे इसलिए क्योंकि मॉडल ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी तो जहाँ सांप ने काटा वहाँ मॉडल की बॉडी में सिलिकॉन था तो सिलिकॉन के जहर से सांप ही मर गया मॉडल बच गई सिलिकॉन में जहर होता है तो मेरी सब जीव जंतुओं से प्रार्थना है कि किसी को काटने से पहले पूरा उसके बारे में रिसर्च कर लें कोई प्लास्टिक की तो नहीं अच्छा बड़ी बात यह कि आपने ऐसी खबर पढ़ भी ली कितना टाइम है हमारे लोगों के पास चलिए थैंक यू अमनदीप शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त अपने विचार जी मैडम मैं दिल्ली से हूँ अच्छा दिल्ली में एक बार न्यूज आई थी कि लेडीज की चोटियां कट जाती थी हाँ. तो वो जिस दिन मैंने वो न्यूज देखी उस दिन मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स लगा कि मेरी चोटी नहीं है तो कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बट इस न्यूज में मतलब इतना ज्यादा वहम लोगों में फैल गया राजस्थान में तो लोगों ने व्रत रखने स्टार्ट कर दिए थे तो किस भगवान को रिक्वेस्ट करनी होती है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती अपने कुल देवता को करती होंगी और किसको करती अच्छा, होंगी कि भाई उनकी सुंदरता बनी रहे उनके बाल ना कटे अरे चोटियां चोरी करके कोई क्या करता होगा वो बालों को चुरा कर ना उसकी विग बनाते हैं और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बेचते होंगे वो मेरे जैसे खरीदते होंगे एक्चुअली ये बिजनेस होता है बहुत बड़ा चोटियां काटने का क्या धंधा सोचा सोचो आप हाँ. फॉरेन में तो लोग वैसे ही पहनते हैं ना खुशी से हाँ. लाल रंग के बाल नीले रंग के बाल हाँ. लड़कियां घूमती रहती ना वो हाँ. मल्टी कलर की yeah. पर हाँ ये न्यूज मैंने भी सुनी थी धन्यवाद ये न्यूज शेयर करने के लिए और कोई हमारे दोस्त जी हाँ जी भाई साहब हेलो सर सर क्या हाल है मेरा नाम राकेश है चंडीगढ़ से आया हूँ जी राकेश जी सर ये खबर आपने भी शायद सुनी होगी कि 2016 की खबर है कि राजस्थान में बीकानेर के पास एक गांव था वहाँ 100 साल पुराना एक पीपल का पेड़ था तो सरकार ने उसको पेड़ को काटने की परमिशन नहीं दी कि पेड़ नहीं कटेगा अच्छा जी जिसका पास एक प्लॉट था उसने पेड़ के अंदर ही 3 मंजिला मकान बनाया और उसकी जो टहनियां थी वो खिड़कियों के बाहर से निकली और टीवी में भी खबर आई थी ये अच्छा और उसका इन्होंने 8 महीने पहले मुहूर्त किया है और उनके 2 बच्चों के साथ वो 3 फैमिलियां वहां रह रही है तो उन्होंने पेड़ के अंदर सर पेड़ था पेड़ के अंदर उन्होंने ऐसे डिजाइनिंग किया है कि मकान की एक एक पेड़ ही पूरा जैसे ड्राइंग रूम के अंदर से पेड़ की टहनियां निकल रही है वो बाहर स्प्रेड हो रही है किचन के अंदर से पेड़ की टहनियां निकल रही है तो वो एक हेरिटेज कह सकते हैं उसको हम तो उन्होंने संदेश दिया है कि हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए पेड़ नहीं काटना चाहिए तो मैं आपके शो के माध्यम से ये अपील करता हूँ लोगों से कि जैसे हमें जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए हर व्यक्ति को और उसकी रक्षा करनी चाहिए सर बिल्कुल तो ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ शो के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं सर आप मैं तो सोच रहा हूँ वो आदमी जब अपने बच्चों में मकान बांटेगा पता नहीं चलेगा रात को बड़ा बेटा कमरा काट के ले गया ऊपर से धन्यवाद सर बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी अभी अभी एक खबर मिली है कि कोई बड़े ही मजेदार गेस्ट आने वाले हैं अच्छा हाँ साथ में ये भी खबर मिली है कि ये कपड़े नहीं चलेंगे अच्छा सो आई नीड टू चेंज माय ड्रेस एंड आई आल्सो कैन चेंज आप तो करी लो पिछले हफ्ते से पहनी हुई है आपने चलिए अर्चना जी आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़ा मजा आने वाला है अच्छा तुझे तो अभी से आ रहा है ना मजा है ना क्या हो गया तो आज के हमारे जो मेहमान हैं उनमें से एक बहुत ही हॉट है ओहो दूसरे जो हैं वो बड़े ही हैंडसम हैं बड़े ही टैलेंटेड हैं दोनों जबरदस्त टैलेंटेड हैं तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा राजी संजू मनमर्जियां मसान और उरी जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों को जीतने वाले एक्टर प्लीज वेलकम विकी कौशल
विक्की, आपका हमारे शो पे एक बार फिर से स्वागत है. थैंक यू, थैंक यू. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. उरी के लिए भाई को नेशनल अवार्ड मिला यार. बहुत बड़ी बात होती है. हमने तो आज तक पास से भी नहीं देखा. अच्छा विक्की पाजी, ये जो आपको नेशनल अवार्ड मिला है, हाँ जी, तो आप सिफारिश करके किसी की भी गवर्नमेंट जॉब लगवा सकते हो. नहीं सीरियसली, अर्चना जी पूछ रही थी, मैं बोल रही थी विक्की आएगा तो पूछना. सिद्धू भाजी आप तो अपना चेक भेज ही दो. आप हो ना हो, हर एपिसोड में आपका जिक्र तो हो रहा है. देखिए अच्छा उरी कितनी ब्लॉकबस्टर हिट रही है. विक्की, जब दूसरे प्रोड्यूसर्स आपसे आते हैं मिलने तो आपसे पूछते हैं हाउ इज द जोश, तो आप तो ये कहते हो प्राइस हाई सर. प्राइस हाई होना चाहिए. ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स की हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है. एब्सोल्युटली. थैंक यू, थैंक यू. जी पाजी, मैं पिछली बार आपसे मिला था तब उरी के लिए आए थे हम. जी जी. और दरख्वास्त कर रहे थे प्लीज जाके देखना, प्लीज जाके देखना. एंड सच्चे दिल से मैं सचमुच आज इसलिए भी आना चाहता था कि इसी प्लेटफॉर्म में मैं, ताकि फिर से हिंदुस्तान के सारे देशवासियों को थैंक यू बोल सकूं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विक्की जो है इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है. इनसे पहले विक्की, आपसे पहले तापसी पन्नू आई, सुशांत सिंह राजपूत आए, सोनू सूद आए, सब लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हो, आपको क्या नसीरुद्दीन शाह पढ़ाने आते हो उधर, या अमिताभ बच्चन आते? मतलब जिस इंजीनियर को देखो कमाल के एक्टर हैं. मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि टी सीरीज का एक नया सॉन्ग आ रहा है पछताओगे, तो जो विक्की हैं इन्होंने उसमें परफॉर्म किया है. और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं वो हैं जिन्होंने विक्की के साथ इस खूबसूरत गाने में परफॉर्म किया है. प्लीज वेलकम वेरी हॉट वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेही. आए है. नोरा बहुत बहुत स्वागत है आपका. नोरा आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. बहुत ही खूबसूरत हैं आप. शुक्रिया. आपको पता है बच्चों में डोरा फेमस है, हम जैसों में नोरा ही है फेमस. Actually, सही है. है? डोरा एक्सप्लोरर है ना. मैं तो नहीं देखता, मुझे तो किसी ने बताया. है, 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 डोरा एक्सप्लोरर. Yeah, डोरा आप भी देखती हैं? Of course, बचपन से. नोरा मीट छिछोरा. मैं छिछोरा बनने को भी तैयार हूँ. छोरा. तू छोरा भी है. छोरा. पछताओगे. आप तो नहीं पछता रहे, आपने तो साथ में काम किया है. पछता तो हम जैसे रहे. ये साथ में को एक्टर भी ब्यूटीफुल हो तो आर्टिस्ट को भी बड़ा मजा आता है. हमारे को आर्टिस्ट भी बड़े भाई जैसी फीलिंग आती है. आपको नहीं बोल रहा मैं. अरे मैंने बोला बड़े भाई की मेरा ऐसे हाथ ये दिनेश की तरह जाने वाला. आप अपने ऊपर लेके. अच्छा आपसे पहली बार मुलाकात हो रही नोरा से. अच्छा. नोरा, नोरा का मतलब क्या होता है? नोरा, नूर ऑफ कोर्स मतलब लाइट है. एंड नोरा इज गॉडेस ऑफ लाइट. ओ वाओ. नोरा मतलब गॉडेस ऑफ लाइट, मतलब उजाले की देवी. एक्चुअली तभी मेरी टीम की आंखें खुल गई आज. कईयों का तो काम खत्म हो चुका है, वो गए नहीं फिर भी. Disgusting people. आइए नोरा आपका बहुत बहुत स्वागत है. विक्की पाजी बहुत बहुत स्वागत है. नोरा आपको मेरा सोफा दूर नहीं आज. Actually, ये लैंप होता था पहले. उधर होता था. Actually, मैं हमेशा इस शो देखती हूँ. हाँ. और मैंने नोटिस किया कि आपका सोफा इतना दूर नहीं होता है. बट इस एपिसोड में समझ में नहीं. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ओ नोरा पेट्रोल पंप पे जाती हैं आप? नहीं. अलाउड नहीं होगा ना? अलाउड नहीं है. हाय हाय. आई न्यू. पहले मैं जाती थी. पहले जाती थी. कौन सी कंट्री में? कनाडा में. हैं? तो बड़ा कंफ्यूज लग रहा है. कहाँ? कनाडा में कौन से शहर से? टोरंटो. टोरंटो. यस. मैं आई वाज जस्ट 5 आवर अवे. आई वाज इन वैंकूवर. ओ मैन. लास्ट वीक आई वाज इन वैंकूवर. या या. लास्ट वीक आप वैंकूवर में थे? या. बट वो तो टोरंटो नहीं है. वैंकूवर अलग है.
आप कहो सही, हम चांद पे आ जाएं आपके चक्कर में। क्या कर रहे थे वैंकूवर में? अपनी बीवी के साथ थे। ये बताना जरूरी था? एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। रियली? नहीं, नो नो, अभी वो दूर, प्लीज दूर रखो। अरे वो हमारी दूर की बीवी है वो। क्या अर्चना जी, आप भी ना। सॉरी कपू, सॉरी कपिल, सॉरी। शादी हुई थी 12 दिसंबर को, 13 से तो मैं फ्री हूँ ना। मैंने तो पूरा गाना देखा हुआ है, अब सबने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता दूं कि जो नोरा और विक्की जो हैं एल्बम में, विक्की इनका बॉयफ्रेंड है। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, साइड बॉय। साइड बॉय? पूरे वीडियो में साइड बॉय था? नहीं नहीं, आप हस्बैंड हो। हाँ, हस्बैंड पर है। वो जो मेरे साथ अच्छा, डांस गाने में ये हस्बैंड है? हाँ, हाँ, वो मेरा हस्बैंड है गाना में। अच्छा। गाने में इसे मैंने बोला नो बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड है, पर एक और लड़का है जो मेरा साइड बॉय है। अच्छा, वो ही रख लो हमें। माजी, आप नोरा के साथ वैसा डांस कर दो, ये रख लीजिए। मैं सीख भी लूंगा, मैं 15-20 साल की बात है। और वैसी बॉडी भी पाजी। सीधा मना कर दो ना ये सब। पर ये एल्बम में मतलब जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि विक्की इनका बॉयफ्रेंड है। हाँ। और उसके बावजूद ये दूसरे लड़के पे नजर रख रही हैं। आज भी आप विक्की के साथ आई हैं, आप चाहे तो दूसरे लड़के पे नजर रख सकते हैं। बशर्त है वो लड़का होना चाहिए। तो मैं क्या अधेड़ उम्र का व्यक्ति हूँ? अच्छा विक्की, आप सब जानते हैं कितने सक्सेसफुल एक्टर हैं। विक्की आप फिल्मों से तो कमा ही रहे हैं, कमर्शियल एड्स भी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आपने म्यूजिक एल्बम के लिए टाइम निकाला, क्या वजह थी? चेक बहुत बड़ा था कि नोरा को देख के ना नहीं कर सके आप? नहीं, सच बोलो। मैं सच बोलूंगा। नोरा को देख के हाँ कहती। थैंक यू। दीपा जी, भूषण जी के साथ कई बार हमने कोशिश की थी कि कुछ कोलैबोरेशन हो। एंड आई थिंक म्यूजिक को जिस तरीके से टी सीरी समझता है वो सच में ऑडियंस की नब्ज समझते हैं। एंड फिर इसका जिक्र हुआ इस गाने का, तो जब मैंने गाना सुना तो मुझे पहली बार में पसंद आ गया था। एंड फिर मुझे टीम पता लगी दैट नोरा इज गोना बी अ पार्ट ऑफ इट, फिर अरिजीत जी गाएंगे, बीप्राक और जानी, उनके म्यूजिक को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और कुछ नया करने का भी मन था कि ये हाँ मैंने कभी पहले किया नहीं है, तो ये भी करके देखते हैं, तो करके देखा, देखो आपको अच्छा लगे। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। नोरा, नेक्स्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो आपको फ्री में कोई मॉडल चाहिए हो, या जेब से भी पैसे खर्चने वाला चाहिए हो? एक्चुअली एक म्यूजिक वीडियो है मेरा। हाँ, जो मैं प्रोड्यूस करने वाली हूँ। आप होंगी उसमें? हाँ, और मुझे एक एक्टर चाहिए, मॉडल एक्टर चाहिए। अब मेरा नंबर ले लो। हाँ लेती हूँ, बाद में। पक्का ना, भूलना जाना। बट बहुत रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा। आपको डांस करना है, आपको गाना भी करना है, एक्ट करना है। okay. थोड़ा सा मॉडलिंग करना है। हाँ, करेंगे ना सब। Are you मैं sure? बैली डांस करूंगा घाघरा पहन के, मेरे को लो तो सही आप। मैं मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे सॉरी बड़ा पछताओगे। इस बार नहीं पछताऊंगी, नहीं पछताऊंगी। अरे शादीशुदा, सॉरी, आई एम सॉरी। नोरा, वैसे क्या खाती हैं आप? इतना जो ग्लो करती है आपकी स्किन, आप इतनी फिट हैं। शुक्रिया। क्या रूटीन है आपकी? बहुत जबरदस्त रूटीन है। पास्ता खाती हूँ। अच्छा। मैश पोटैटोस खाती हूँ। वाओ। राइस रोटी दाल खाती हूँ। इनके मुंह से राइस रोटी दाल भी कितना अच्छा लगता है। मैश पोटैटोस होता आलू ही है। पर इनके मुंह में जाता है तो मैश पोटैटो हो जाता है। आप आलू खाती हो तो स्किन ग्लो करती है, हमारे आलू साइड से बाहर आ जाते हैं। हमारे पता नहीं ऊपर वाला। नोरा, जैसे अर्चना जी कभी अंधेरी से घाट के ऊपर जाती ना तो ऑटो वाला कभी कभी मना कर देता है, आपको तो नहीं करता होगा? अच्छा, आपके पास तो गाड़ी होगी ना? गाड़ी नहीं है, मैं रिक्शा से आती हूँ। वैसे ही छोड़ जाते होंगे रिक्शा वाले की, बैठो आपको छोड़ देते हैं। ओके, आपके पास गाड़ी है? या साइकिल है? व्हिच वन?
सफेद रंग की. सफेद लग्जरी कार या सुपर डुपर लग्जरी डीलक्स कार. ओह वाओ क्या बात है. और शादीशुदा है. सॉरी. नोरा बहुत सारे ना लड़के ऐसे मुझे बोल रहे थे आपके आने से पहले, बोलते थे कि हमें ना ऐसे नोरा को इम्प्रेस करना है. मैंने कहा मैं नोरा से पूछ लूंगा फिर मैं उनको बुलाऊंगा. तो आपकी इजाजत है मैं उनको बुला सकता हूँ? ऑफ कोर्स. यस यस. कौन है? क्योंकि मैं सिंगल हूँ. ओहो तो कौन है जो? ओह माय गॉड कितने सारे आ गए. कपिल तुम लोग अपनी टीम में हो ना? हां मतलब ये लोग यहाँ पे काम करते हैं. क्या करते हो आप टीम में? साउंड टीम से हैं तो ये हमारा साउंड रिकॉर्ड कौन कर रहा पीछे? साउंड टीम में इतना भी नहीं पता माइक में बोलना है. मर गए देख के नोरा को. सही है. आई लाइक नोरा मैम. आई लाइक. हां यू लाइक नोरा मैम. ओके. और ये किस डिपार्टमेंट से हैं? सर फ्लोर टीम से. फ्लोर टीम से. तो एक खाली फ्लोर देख के आ गए हैं. तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ. अपने लोग हैं. माइक देना जरा. आप कहाँ से आए हो चाची ताड़का? क्रिएटिव टीम. क्रिएटिव टीम से. अच्छा क्या क्रिएटिव करते हो आप? कुछ नहीं. अच्छा ये मेरी टीम ही इतनी शरारती है. आप कहाँ से हो? आप भी हमारी मैं गेस्ट हूँ. मैं गेस्ट हूँ. ओके गेस्ट हो. आपको तो मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूँ. गेस्ट हो ना आप मेरा इधर. तुम लोग प्रपोज करोगे? चला निकलो यहाँ से. बदतमीज कहेंगे. मैंने तो वैसे ही बुलाया. ये रखना पड़ता है नोरा. आप रखा करो अपनी गाड़ी में. मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लो. ऐसा क्यों किया? चारों में से कुछ था पसंद आपको? आई एम सिंगल. मैं सिंगल हूँ. हेलो उस सिंगल थे तो कोई अच्छा लड़का. शादीशुदा है सिंगल हूँ. कुछ तो ढूंढना है ना. देखो वो सब मेरा ना शादीवादी पब्लिसिटी स्टंट था. रियली? हाँ वो भाजी ये सुन के जो घर पे स्टंट होने वाले हैं ना. अच्छा आपको पता नोरा जो है कितना अच्छा डांस करती है यहाँ पे. कई लोगों ने कहा था कि हम इसको चैलेंज दे सकते हैं. पाजी आप बिलीव करोगे नोरा को चैलेंज देने के लिए लोग बैठे हुए हैं? नहीं देने को तो कुछ भी दे सकते हो. चैलेंज निभा सकते हो वो नहीं पता मुझे. हाँ तो कुछ बड़े लोग थे जो कह रहे थे हम बैली डांस कर सकते हैं. नोरा के जैसा कौन है जो कर सकता है बैली डांस? यस. 1 2 3 4. ओह माय गॉड. आइए आइए प्लीज आइए आइए. ये तो मतलब वाओ. खुला न्योता है आपको. एक छोटा सा थैंक यू. बोलिए बोलिए. राहुल सर हमारे बॉस है. बॉस इधर आइए. क्या कर रहे हैं आप? मैं पहले ही बोला था और हमारे कलिक भी आए मिस्टर परमजीत सर. अच्छा जी. मैं यही कह रहा था. मैं बोला था कि सर अगर कपिल सर के सामने मुझे मौका मिल गया अगर बोलने का जी तो मैं जरूर बोलूंगा. सर इनको बोलो मेरा पगार बढ़ा दे. बढ़ा दो आप एक बार बोलो. अच्छा उन्होंने ये थोड़ा बोला कितना बढ़ा दो. दो चार रुपए बढ़ा दो. बढ़ा दो बस. हमारा इतना तो रख लो यार. 10 रुपए बढ़ा दो. हां 10 रुपए बढ़ा दो. 10? हां 10 बस. हां चलिए काम कर. 10 रुपए आपके नाम से दिया मैं. कुछ तो बढ़ाया ना. कपिल सर ने बोल दिया तो नूर हो गया. कपिल सर रियली जिस दिन आपका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था जी मेरी मैरिज फिक्स हो रही थी ऑलमोस्ट. और तब से मैं आपका शो देख रहा हूँ. अच्छा ये पहली बार हम आज यहाँ आए हैं. आपके समय 6 बार हमने ट्राई किया पहुँचने का. अच्छा जी. आज एक बहुत बड़ी मुराद पूरी हुई. और लकीली भी हम आपके साथ हैं. और सर आपका डायलॉग उरी का जी. मेरी टीम के लिए फेवरेट डायलॉग है. yes. मेरी टीम यहाँ पे है. Actually, I always say, How's the Jaws? How's the Jaws? How's the Jaws? Thank you so much for giving this beautiful picture. Thank My you. Entire team was energetic and we are really proud. Thank you so much. Thank you so Shukriya much. Sir. Thank you, Rahul. Thank you, sir. Thank you. Shukriya. Thank you, Nirji. Come back.
हाल पुआ जी? विक्की और वो तो बस ठीक है। आज तो जोश आया ना? हाय पुआ जी, हाय एकदम। आह फतेही पे जी की बेटी भी आई है। पते पहन जी दी और नोरा दिल भर नहीं ये हमारी कम्मो बुआ है दिल्ली से। वो तो भूल गया, और दिल्ली से पुआ, दिल्ली से नहीं दिल्ली पुआ से। बिकू वो अपने दिल्ली में होता ना इतना सा कुत्तू बना रहा था, मैंने अपने हाथों से पानी दे दे के उसको वड्डा किया। और वो चांदनी चौक में पराठों वाली गली, हाँ जी, हाँ जी। वो पहले पुत पेड़ों वाली गली थी, पेड़ों वाली। हाँ। मैंने वेल वेल के पराठे वाली कर दी। तो लाल किला भी आप ही ने लाल किया होगा? नहीं, वो तो मेरे और तेरे फुफड़ जी की हरकतें देख के ब्लश हो के लाल हो गए। बुआ क्या करने आई है आप? क्या करने आई, मेरा पुत गुगू जा, मेरा पुतू बच्चे आए हैं, उनको पुआ अपने हाथों से मटर पनीर की सब्जी खिलाने आई है। कहाँ है मटर पनीर? चैलेंज ना किया कर, झोले में सब कुछ होता है, जहाज, रनवे, मटर। अरे बुत नोरा फटाफट बातें भी करनी और मटर भी छिलने फटाफट। उधर क्या देख रहा है? जा पाज के गली से 20 रुपए का पनीर लेके आ। बुआ इतने बड़े स्टार आए, वो तेरे लिए क्या मटर छिलेंगे इधर? ओ आए कप्पू, तू अब मटर छिलने के लिए इंडस्ट्री छोड़ दे वो। बुआ के सामने कौन स्टार है? विक्कू श्याम भाई साहब का बेटा है ये तो। विक्कू तेरी पुआ हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। श्याम भाई साहब का रहा है ना, तो उनको कहना कमो आई थी। हंस क्या रही है, मटर शेर मटर। वो बेचारी नाजुक सी लड़की फूल जैसी से मटर छिलवा रही है तू? हाँ तो क्या हो गया पुत, मटर ही छिलवा रही, मैं कौन सा नारियल छिलवा रही हूँ। और एक बात कप्पू, वो कोई कमजोर नहीं है, लड़कियों को ना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत किया कर। हाँ। मैं तो कहती इसके साथ पंगा ले, इसके गोडे पे ऐसे कर। इसने ना टिग्गू से भी ऊंची किक मारनी है तेरे को। टिग्गू कौन है अब? टिग्गू बीड़ू भाई साहब का बेटा। बीड़ू भाई साहब? टाइगर श्रॉफ। बीड़ू भाई साहब। अरे रब्बा पुत, थोड़ी नॉलेज रखा कर, इंडस्ट्री में काम कर रहा है। नाना पुछ, सुंडी नहीं खानी, बाहर निकाली। नहीं खराब है। खराब है तो उधर रख दे। सच्ची यार, हॉस्पिटैलिटी इस बंदे को पता ही नहीं है। विकू देख पुत, हाँ जी। यहाँ पे बंदे आते हैं है ना, हम उनको चाय पानी पूछते, बातें करते, घर में भी कोई गेस्ट आता है तो 3-4 दिन हम रख लेते हैं ना। ये बंदा इतना दोगला बातें करता, फ्रूट आगे रख देता है। और फिर जैसे इसका एपिसोड बन जाता है ना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ऐसे कह देता है। ऐसे क्या देख रहा है विक्कू, तेरे साथ भी 20 मिनट बाद यही होने वाला है। इसने कहना आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे आग लगाने का इतना शौक ना, जैसे कि सास बहू वाले सीरियल में जाओ, उधर आग लगाओ जाके। तो पुत्र ये कौन सा तूने चांदनी चौक में मोमोज की रेड़ी लगाई है? ये भी शो ही है। लेकिन एक बात बोलूं, तू अपने शो को ना सास बहू के शो से कम मत समझा कर। हाँ। उस शो में ना औरतें देख देख के सीरियल रोती है, और इस शो में इस औरत को देख के ना वो सबसे ज्यादा हंसने वाला आदमी रोता है। जी देखो नोरा, ये ना हमारी बुआ थोड़ी हिली हुई है। क्या हिली हुई मैं? क्या बोली हिली? मेरे फूफा जी ने तो शादी इसलिए की, वो नुसरत फतेही खान साहब के बड़े फैन थे। अच्छा जी। तो पता नहीं उनको क्या नजर आया। मैं हिली नहीं हूँ, ये मेरा हेल्दी लुक है। तेरे फूफा जी मेरे को बेबी कहते थे, तो ये बेबी फैट है। वरना 2 मिनट में मैं पाजी श्रिंक होके नोरा फतेही बन जाऊं। चल हो जा फिर, श्रिंक हो जा फिर। तो मैं तो श्रिंक होके नोरा फतेही बन जाऊंगी, लेकिन तेरे फूफा भी तो विक्की कौशल बनने चाहिए ना। मटर 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 छिलो, टीवी पे आ रहे हो आप भी। नोरा जी
सुंडिया निकले ना सुंडिया उसको साइड में रख लेना, कल मैं सुंडी पनीर बनाऊंगी। मटर मटर छिलो। लेकिन एक बात है, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और इससे भी कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तो मैंने क्या किया अब? कब तूने क्या किया? लड़की को 3-4 साल हुए इंडस्ट्री में आए, लड़की ने 2-3 सुपर हिट आइटम सॉन्ग दे दिए। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, मैंने तेरा आज तक आइटम सॉन्ग नहीं देखा। आइटम सॉन्ग्स मतलब मैं क्यों करूंगा आइटम सॉन्ग? पुत्र एक बात सुन ले, शिल्पा शेट्टी अब सोनी पे आती नहीं। हाँ? ये पहन जी की लचक कोई देखना चाहता नहीं है। और पूरे देश की उम्मीदें तेरे से है। अब तू भी मना कर रहा है तो 9:30 बजे टीवी क्यों लगाए फिर? देख बिक्कू, इसका शो आता वीकेंड में, शनिवार एतवार। हाँ, उस दिन लगे होते सबका थोड़ा लिटल लिटल। उस दिन सबको देखनी होती कमर की लचक। हाँ। वो पावे अर्चना की हो या पुआ की, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अच्छा, मटर छीले तेरे लिए नोरा पते ही है। हाँ। है, डांस करूं तेरे लिए मैं। हाँ। तू बड़ी देर तेरे माथे पे लोगो लगा सोनी का। या मलिंगा के बाल वापस कर क्या? देख ले कैसी बातें करता है, ये बड़ा बदल गया है। क्या बदल गया हूँ? वैसा ही तो हूँ मैं। इतना सा होता था इसकी मुझे भी नहीं आती थी, और अब 4 पैसे आ गए, रोज शेव करता है। तो कभी कभी करनी पड़ती है, उसमें क्या है, मुझे दाढ़ी सबको आती है। तो हमको क्यों नहीं आती? हमने भी जवानी काटी बेटा, हमारी कभी नहीं निकली है? और लेडीज को नहीं आती? लेडीज को नहीं आती, जाके पार्लर में पूछ, उनके धागे टूट जाते हैं, लेकिन लेडीज की पूछे नहीं टूटती। हमारा ना पूरा पति जगह चलता ही रहता है। मटर छिलो तू। तब से आई नोरा बेचारी मटर चलवा रही है तू। हाँ। तो क्या हो गया बेटा, मटर चलवा रही तो फिनिश लाओ, दे दो, मैं चलती हूँ फिर। मेरे को प्याज काटने, तड़का लगाना, अभी सब्जी बनानी है। कहाँ जाना है? मटर पनीर तो खिलाओ उनको। नोरा को? हाँ? मटर? हाँ। वो डाइट करती पुत्र, देख उसका फिगर, इसको क्या मटर खिलाओ? ऐसी लड़की 2 मिनट मटन बिरयानी को देख ले 3 टकारे मार देती है। तो फिर मटर क्यों छिलवा रही थी इनसे? अच्छा चल, कितनी लड़ाइयां पड़वाता है तू। मैंने मटर छिलवा भी लिए 4, तो मैं इनका गाना भी तो देख देख के व्यूज बढ़ाऊंगी ना उसके। क्या डांस करती पुत्ते, ऐसे पोचे मार दी। मैंने ऐसे पोचे मार दी। पता नहीं ऐसा खुरकती अपने आप को, फिर मच्छर मारती, फिर खुरकती, फिर मच्छर मारती, है ना बुद्ध? हाँ सही है। कैसे करती है? ऐसे ऐसे फिर मच्छर मारती हूँ। थोड़ा पोछे मारने का मतलब पता है? हाँ, क्लीनिंग फ्लोर्स। चलो चलो, भी प्याज भी कट रहे हैं। आना बुद्ध, अंदर मटर पनीर बना के रखती हूँ। मैं तो काम करती रहती हूँ, मैंने अपने हड्डों में जंग लगाया बुद्ध। कभी भी मेरा नहीं कमाई, मेहनत की खाते। ऐसे थोड़ी जुड़ा करके कुर्सी पे बैठ गए, चेक लेके निकल गए। अच्छा पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है कि विक्की ने जितनी भी फिल्में की हैं, जैसे संजू में इनकी गर्लफ्रेंड संजय दत्त ले जाते हैं जो बने होते हैं, उसके बाद मनमर्जिया में अभिषेक बच्चन के साथ चले जाती हैं, राजी में इनकी बीवी वैसे ही एजेंट निकलती है, हैं मसान में वैसे ही मर जाती है, और इस वीडियो में भी ऐसा हो रहा है। अरे हाँ, इट्स ट्रू, सही है, इसलिए मैं हंस रही थी। पाजी आपको क्या लगता है, स्क्रिप्ट में दोष है कि आपकी कुंडली में स्त्री दोष है? क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली पाजी सोचने वाली बात है सच में। एक्चुअली नेशनल अवार्ड विनर है हमारे, अगली फिल्म में हीरोइन आपको ही मिलनी चाहिए, एजेंट भी निकले तो भी रख लो इधर। विकी, ये सवाल मेरा नहीं जो मैं पूछने जा रहा हूँ। हाँ जी, ये बहुत सारी फैंस का सवाल है, कहते हैं आपने म्यूजिक एल्बम तो कर लिया, आपकी शादी का एल्बम कब तक देखने को मिलेगा? अच्छा मैं साफ बताता हूँ, तू अपने सारे कॉम्पिटिशन काट रहा है, यू वांट एवरीबॉडी, सबकी शादी हो जाए, है ना? मैं सच बताता हूँ, ये जो ज्यादा बोली ना इन्होंने पूछा था। मैं बताता हूँ क्यों, इनका मैरिज ब्यूरो भी है,
अच्छा हाँ, तो ये पूछ रही थी कि अगर नई रिश्ता हुआ कहीं तो मैं अभी तक सेटिंग नहीं तो मैं करवा देती हूँ। करवा दो, करवा और इनके दो पास सारे अरेंजमेंट पता है, घोड़ी की राय पे देती हैं। और जब इनके सारे बंदे चले जाते और भी ऑर्डर आ जाए ना, खुद मूछे लगा के ये राजनाथ पासवान के नाम से ऑर्डर लेती हैं। नोरा, आप पे लाखों लोगों का क्रश है, आपका किस एक्टर या कोई भी आदमी हो जिस पे आपका क्रश हुआ हो? जब मैं छोटी थी, ऑफ कोर्स छोटी थी, मेरा क्रश ऋतिक रोशन था। ऋतिक रोशन, वाओ, हैंडसम मैन। ऋतिक रोशन तो सबके हीरो थे। हाँ, सबका, इतने सबका क्रश। आपको भी ऋतिक बहुत पसंद है ना? मैं सर अभी पसंद है पाजी, बहुत पसंद है मुझे। ऋतिक सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और मैंने जिंदगी में पहली बार जब पापा को कहा था कि मुझे किसी एक्टर से मिलना है, वो ऋतिक सर थे। वाओ, तो मैं उनसे मिला था। पाजी, हीरोइन आपको कौन पसंद है सबसे ज्यादा? मेरा एक्चुअली सपना है कि कभी जिंदगी में मुझे माधुरी मैम के साथ काम करने का मौका। ओह वाओ, अच्छा, मैं अपने यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान ऐसा मौका दे कि कभी आप कोई फिल्म स्टार बन जाएं, वो किस हीरो या हीरोइन के साथ अपने अफेयर की खबरें सुनना पसंद करेंगे? वाओ, देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। जी मैडम। हेलो कपिल, माय नेम इज ऐश। ऐश, या पूरा नाम है आपका, ये शॉर्ट नेम बोल रहे हैं? पाठक। ऐश पाठक, या वाओ। ऐश जी, आप शादीशुदा है? आई मीन कुछ कह नहीं सकते। मतलब कहाँ से आई हैं आप ऐश? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में कहाँ से आई हैं आप? जी मैं पठानकोट। पठानकोट तो पंजाब में पड़ता है। पंजाब में पड़ता है। कुछ कह नहीं सकते। सॉरी जी ऐश। अगर मैं हीरोइन होती, हाँ जी, तो मैं अपने चर्चे अक्षय कुमार के साथ सुनना पसंद करती। क्या बात है, वाह। रीजन? वो हॉट, मैं भी हॉट। ओके। ऐश के कपड़ों का रंग भी केसरी है। एक्चुअली एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि सुबह को वो 4 बजे उठते हैं और रात को वो 10 बजे सो जाते हैं। बोलती आप बड़ा प्यारा है ऐश। थैंक यू। किसके साथ आई यहाँ पे? मैं अकेले आई हूँ। अच्छा, तो ये जो आपके साथ बैठे, ध्यान से बैठे, चुभना जाए आपको। शुक्रिया। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी जी भाई साहब। मेरा नाम राहुल है। अगर मैं सेलिब्रिटी होता तो मेरी खबरें नोरा मैम के साथ सुनने में मैं पसंद करता। और खबरें ऐसी होती अखबारों में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अलसो। अच्छा, तो ऐसी खबरें होती कि नोरा फतेही और राहुल जगताप, इन्होंने शादी की फ्लाइट में, उस टाइम पे नोरा फतेही ने पहना था रेड साड़ी, राहुल ने पहनी थी गोल्डन शेरवानी, और उसमें उसने नोरा फतेही को बेली डांस करके दिखाया। ओके, और शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे शाहरुख सलमान राहुल के घर। और मैं क्या कर रही थी? आप देख रही थी, बिकॉज आप सुपर डुपर परफॉर्मर है। हाँ। तो आपको मैंने बेली डांस करके दिखाया, इसलिए प्यार हो गया? नहीं, शादी हो गई तो सेलिब्रिटी हो चुका। अच्छा, ये अरेंज मैरिज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ ना। हमारी शादी अरेंज था, और बेली डांस करने के बाद मेरा प्यार हो गया? नहीं नहीं, ये मेरी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, ये मेरी स्टोरी है। तुम्हारा खत्म हो जाए, मेरे को कॉल करना। नहीं, मैं आएगा, मैं आऊंगा, मेरे को कॉल करना। तो फिर क्या, कहाँ पे क्या हुआ? कहाँ पे क्या हुआ आपका, अभी बताओ मेरे को। नहीं, आपका क्या हुआ? हमारे वहां पे वो गेस्ट आई हैं, तुम कभी फ्लाइट में जा रहे हो, कभी शादी मना रहे हो, बेली डांस करा रहे हो। तुम क्यों उठ गई अंजलि?
राहुल तो आप सीधे सीधे हमारी गेस्ट के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं आप ही हमारे गुरु उस बारे में आपके साथ शालू बैठी हुई है जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरी रहेगी राहुल शालू सर पीछे बीवी बैठी अगर मैंने वैसा किया आप शादीशुदा हो हाँ जी कहाँ है आपकी वाइफ इतनी प्यारी बीवी आपकी अनबिलीवेबल ये लो बीवी ये राहुल जगताप का जगताप काट दो ये पाजी सच्ची गुरु चेल है ये पाजी पूरे गुरु के कदमों पे चल रहे हैं राहुल इतना क्यूट कपल है आप दोनों इतनी प्यारी खूबसूरत आपकी बीवी आप श्रेयम फ्लर्ट कर रहे हैं सर सच बात है फर्स्ट जुलाई को जब मैं ट्रैवल कर रहा था वियना के लिए वाया दुबई फ्लाइट थे मेरी फर्स्ट जुलाई को मैम भी 4:30 की फ्लाइट थी वो फ्लाइट में मैं भी था मैं इकोनॉमी क्लास में था वो बिजनेस क्लास में था रेड कलर का जैकेट ऐसा ही पहना था ऊपर डेनिम पहना था तब से तो मैं प्यार में ही पड़ गया सर अब शादी कर ली तो उससे पहले कर ली अब मेरी क्या गलती है सर शादी शुदा हो हेलो बीवी इधर ही है शर्म नहीं आती शादी के बाद भी प्यार हो सकता है देख लो देखो राहुल की वाइफ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ उनको माइक दो जरा ये राहुल शरेआम आपके सामने फ्लर्ट कर रहा है इतने घुंघराले बालों में इतनी प्यारी बीवी आपकी आपको क्या इनका करना है अभी बताओ आप कुछ नहीं घर जाके देख लेंगे कितनी क्यूट है बीवी इनकी छाती पे चढ़ के तांडव करना जरा उनको समझ आए बीवी के साथ आए फिर भी फ्लर्ट कर रहे हैं डिस्गस्टिंग पीपल आपका क्या नाम है दीक्षिता जगताप थैंक यू दीक्षिता थैंक यू थोड़ा संभाल के रखो राहुल को यस सर शुक्रिया राहुल मजा आपसे मिलके थैंक यू थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जो यस मोना अगर मैं एक एक्ट्रेस होती जी मुझे अगर मौका मिलता कोई एक्टर के साथ चर्चे में आने का वो विक्कू सर होते आपके साथ विक्कू सर विक्कू आपने अभी प्यार से बोला हाँ सर मुझे बहुत पसंद है ना इसलिए सो स्वीट चर्चा क्या होती चर्चा ये होती है कि आप और मैं मरीन लाइन पे टाइटैनिक पोज देते चलिए देखिए मरीन ड्राइव पे तो अब कहीं देर हो जाएगी यहाँ चाहती है तो यहाँ टाइटैनिक का पोज राहत अच्छा आप बताइए शिप कहाँ है हमारी नहीं आपको मैं सीन देता हूँ एक आप खड़े हो जाइए यहाँ पे टाइटैनिक में मैं पीछे सिचुएशन बोलता रहूँ कि ये हो रहा है ये हो रहा है अच्छा। आपको एक्सप्रेशन देने हैं आपको एक्सप्रेशन देने हैं हाँ अभी एंजॉय हो रहा है गाना चल रहा है जहाज का कैप्टन आया उसने बोला सामने बर्फ का टीला हम टकराने वाले हैं कैप्टन ने कहा नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था कैप्टन ने कहा नहीं नहीं मुझे गलत फहमी हुई सच्ची में बर्फ का टीला आ रहा है मैंने आपकी दो जफियां डलवा दी 150 रुपए आपका आपकी तरफ थैंक यू सो मच सर थैंक यू एंड कपिल सर आई एम योर बिग डाई हार्ट फैन थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू राहत थैंक यू सर और कोई है हमारे दोस्त आपको मैंने कहीं देखा लगता है माइक आप वही नहीं जो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हो हाँ जी हाँ अरे वाह मजा आ गया आपको देख के आइए मैडम मैंने भी देखा है अरे वाह बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख के आइए आइए प्लीज मैंने इनका वखरा स्वैग का देखा है आपका हाँ ये दोनों वीडियो बनाते हैं बहुत प्यारा था अरे बहुत बहुत अच्छा लगता है अच्छा नमस्कार मैम कैसी हैं आप क्या हाल है सर हमने आपके बड़े सारे वीडियोस देखे हैं कैसे वीडियो बनाते हैं मतलब ये आपकी वाइफ है ना सर हाँ जी मेरी वाइफ है पर्सनली हाँ जी मतलब बेसिकली मैंने देखा एकता कपूर ने उस दिन ट्वीट किया था तो उसमें कोई तो गाना था उनकी फिल्म का था शायद वखरा स्वैग का हाँ तो ये ऐसे पीछे खड़े हुए थे मैम खड़ी थी और ये लिप सिंक कर रहे थे थोड़ा करके बताइए ना सर आज कहाँ से आए सर हम लोग गोवा से आए हैं गोवा अच्छा गोवा रहते हैं वाओ तभी इतने रोमांटिक है लवली प्लेस करके दिखाइए सर कुछ ऐसी आज हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत सर ये आइडिया कहाँ से आया आप जो इतने सारे वीडियो डालते रहते हैं बस लोगों को देखा कि सब लोग वीडियो बनाते हैं जी तो
हमको भी लगा कि हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा करते हैं आप। हाँ, नाइस। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा अर्चना जी? अच्छा है? हेलो, झूठ मत बोलो, अच्छा तो हम है। ए रो ब्रो, कितना कमाल का लोग आया इधर। हाय सर। हाय सर। ना ना सर, हाय सर मैं बोल दे, आपको बोलना हाउस द जोश। ओ उल्टा उल्टा। हाय सर, हाउस द जोश? वेरी गुड सर, यू आर कूल, यू आर कूल, यू आर कूल, very good. मैं सर आपको frankly बताता है, आपका फिल्म उरी, yeah, उरी, yeah. मैं पूरी के पूरी देखे। मैं लेकिन एक आपसे सवाल पूछने के थे, मैं जानना चाहते हैं कि ये सुबह और दोपहर आपके कुछ लगते हैं क्या? इनके क्या लगेंगे मतलब? क्यों शाम उनके पापा लगते हैं? मेरे को लगा कि सुबह दोपहर भी कुछ। ये ना बच्चा यादव का भाई है, लंदन से आया है। मैं पहचान गया था, पिछली बार मैं आपके भाई से मिला था। Your brother, your brother, your brother. Yeah, yeah, yeah. He's in the milking business. Yeah. Like in Pailandora, Jay. Oh man, आप बहुत खुशबूरत आए। खुशबूरत नहीं है। खूबसूरत। तुम बहुत बसबूरत है। Like maybe, लेकिन आपका सौंदर्य देख के मेरे वो उड़ गए। क्या वो क्या होते हैं यार? वो आदमी बहुत मदिरा पीता है, मूर्छित हो जाता है, हम ऐसा पानी लेके डालते हैं, अचानक उसको वो आता है क्या? होश, होश, आपका। अरे इसको मदिरा का पता है, मूर्छित का पता है? वाह। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहेंगे। सलाह क्या? सलाह, suggestion, yeah, like advice. Sorry, क्या है मतलब? Salah, advice. Ah, salah. Sounds like an Arabic word. Yeah, yeah. ये अरबी शब्द है क्या? No, it's like in London we talk like that. Yeah. So मैं बोल रहे हैं कि आप कभी भी अपना साकी साकी गाना ना नाके पे जाके मर गाना। क्यों? तो वो साकी नेका हो जाएगा। नोरा, डोंट माइंड, ये ऐसे कुछ भी बोलता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बट ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये क्या होता है? ये क्या है बताओ इनको? इट हेल्प्स मी कनेक्ट विद पीपल, एक जुड़ाव बना रहता है। वैसे मैं कुछ भी नहीं बोलता, ये आदमी को मालूम नहीं है मेरा वैल्यू। मैं लंदन में, मैं बहुत वो आदमी है यार, बड़ा इधर एक बहुत फेमस एक्टर है यार, वो ऐसा नंगे घूम रहे, रेडियो सामने रख कर ऐसा घूमते है, क्या नाम है? आमिर। आमिर, मैं लंदन में बहुत आमिर आदमी है। आमिर, बहुत आमिर, सच ऊपर वाला, इतना आमिर किसी को ना बनाए यार। मेरे लंदन में मल्टीपल बिजनेस है मैम सर, बहुत सारा। अभी मैं नया बिजनेस चालू किए है, मैं लंदन में कंचे बनाते है। उधर कंचे कौन खेलता है भाई? नहीं खेलता नहीं, आदमी का सर का बाल हम लोग ऐसा शेव करके उनको कंचा बनाते है। वो कंचा नहीं होता है, वो गंजा। ठीक है, तुम इतना इंजस्ट कर रहा है तो भान जाता है। भान जाता है नहीं, मान जाता है। ए यार, तुम पूरा कंफ्यूज निकाल दिया यार मेरा। निकाल दिया। तुम इतना सारा कंफ्यूज लेके किधर से आता है यार? कंफ्यूज तो खुद है। तो तुम तम्मी से बात करो। मैंने तेरे अच्छे के लिए बोला ना, तुम तो गुस्सा कर गए। नहीं तो मैं गुस्सा नहीं हो रहा है। हाँ। मैं बोल रहा है अगर मेरे साथ कुछ धंधा करना है तुमको तो तम्मी से बात करो, मेरा मैनेजर है तम्मी कुराना। साथ में काम करना है तम्मी से, मेरे से बात मत करो, मैं बहुत अमीर है। अच्छा, तू दिन पर दिन ना बेवकूफ होता जा रहा है। तुम बहुत अलकमंद है। अगर तुम इतने अलकमंद है तो मेरे को बताओ कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती?
क्यों नहीं मिलती? Obviously, bro, same चीज के लिए same चीज क्यों मिलेगा? तुम कभी किसी दुकान पर दूध लेने को जाओ, वो तुमको दूध देगा सामने से, तुम भी सामने से उसको दूध देगा? पैसा देगा ना bro? यार तुम इधर से सोनी को चुटकुला सुनाता है, कभी सोनी का ऑफिस में पैसा लेने जाएगा वो भी तुमको चुटकुला सुनाएगा। ब्रो तुम अपना ना दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग का दही मत करो, वरना एक दिन देखना ये अर्चना जी बहुत सारा पराठा लाएगा और तुम्हारा दिमाग का दही से लगा के खा जाएगा। अच्छा, tell me one thing, क्या करने आया आज इधर तू? मैं इधर विकी कौशल जी को अपना फिल्म के लिए साइन करने के लिए आए है। Oh great। तो जो तुम तुम्हारे पास स्टोरी है? स्टोरी में नोरा जी से ले लेंगे। नोरा के पास स्टोरी कहाँ से आई? इंस्टाग्राम पे रोज 5 स्टोरी डालता है यार। ले लेगा उधर से क्या है उसमें? अबे इंस्टाग्राम की स्टोरी अलग होती है, फिल्म की स्टोरी अलग होती है। तो ठीक है, मेरा घर पे मेरे पास बहुत सारा स्टोरी का बुक्स है सर, एक उठा लेंगे उधर से अपना थर्स्टी क्रो, उसके ऊपर बनाएंगे, वो ऐसा उठाता है पत्थर पानी में डालता है, पानी ऊपर आता है, उस पर मैं फिल्म बनाएंगे। तो इसमें विक्की कौशल कहाँ है? वो विक्की कौशल का खिड़की पे तो बैठा है क्रो। तो फिल्म में लगाने के लिए पैसे हैं तेरे पास? पैसे तो मैं फिल्म से कमाएगी ना। अरे पहले लगाएगा ना फिर कमाएगा ना। ना ऐसा किधर यार, मैं अगर कमाएगा नहीं तो लगाएगा कैसे? लगाने के लिए ना है। उदाहरण के लिए बात को समझो। किसके लिए? उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए समझो। जब तक कोई सिद्धू कुर्सी से खड़ा नहीं होएगा तब तक कोई अर्चना उस पर बैठेगा कैसे? मैं कपू शर्मा, तुम्हारे अंदर वही नहीं है यार, वो लेडीज का उम्र ऐसा बढ़ता है वो बहुत बढ़ बढ़ के क्या हो जाता है? बुद्धि। बुद्धि ना आई तुम्हारे पास। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, नहीं तो पछताओगे। Hey, that's a good title. पछताओगे। मैं ये टाइटल के ऊपर गाना बनाएंगे और आप दोनों को मैं म्यूजिक वीडियो में ले गए। वो बन चुका है ऑलरेडी, उसी का आज प्रमोशन करने आए हैं। पहले हो गए तो क्या होता है यार, तुम भी सैटरडे का एपिसोड बना उसके बाद संडे का बना है ना? अरे बनाने का जब्जा होना चाहिए अंदर, अपने अंदर जब्जा को जगाओ। मैम सर मेरे को अभी जाने पड़ेंगे, मेरे को जाके शौचालय भी साफ करने हैं। मैं उन लोग के साथ डील क्रैक किए हैं कि वो मेरे को अगर जाने देंगे तो मैं भी उनको साफ करके देंगे। It's a give and take. तो मैं अभी चलता है थोड़ा शौचालय का क्लीनिंग करने है। But I'll see you. All right. Thank you. Nice meeting you, bro. Yeah. I'll see you. Yeah. Bro. वाह, एक बार नोरा और विक्की के लिए जोरदार तालियां बजा आइए। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। विक्की, नोरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और आपके एल्बम को ढेर सारी बेस्ट विशेस, करोड़ों व्यूज मिले, थैंक यू, और आप दोबारा एक और अच्छा सा एल्बम बनाए और दोबारा वापस आए। थैंक यू पाजी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पाजी, लव यू। और नोरा, वन थिंग मोर, जरूरी नहीं है कि कोई फिल्म आ रही है या गाना आ रहा है, ऐसे भी आती रहा करो। हां ठीक है, ओके, थैंक यू। आपने बाटला हाउस देखी? मैंने बाटला हाउस देखी और मेरे लिए सरप्राइज क्या था, मुझे लगा कि पहले मैंने जब वो फिल्म में आपका गाने का एड देखा था तो मुझे लगा सिर्फ आपने गाना किया है, लेकिन आपने कितना अच्छा एक्ट किया। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस, शुक्रिया। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी दूसरी जगह जाके वहाँ का कल्चर तो सीखते हो, वहाँ की लैंग्वेज सीखना और इतने अच्छे तरीके से उसको निभाना, आपने बहुत खूबसूरत काम किया। और आपने बाटला हाउस का जिक्र किया है तो साथ ही गाना तो आप सबने देखा है, नूरा का खतरनाक डांस जो है
ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ना हो? तो नोरा यहाँ पे एक खूबसूरत परफॉर्मेंस देने जा रही है. जोरदार तालियां नोरा के लिए. अच्छा ये हम लोगों ने ये गाना फिल्म में भी देखा था नोरा, लेकिन एक ही फ्लो में आपने इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया. सुपर, माइंड ब्लोइंग. थैंक यू सो मच नोरा, आप हमारे शो पे आई, बड़ा मजा आया. एक मिनट भाई साहब, किधर घुस गए आप? अच्छा भला लड़की कहले साकी साकी, ये क्या था? घुस गया तो सभी तो घुस कर आए शो पे, नॉर्मली कौन आया है? पहले ये बताइए, ये दिनेश कौन सा यहाँ इंटरव्यू देकर आया? अर्चना जी कौन सा ग्रेजुएशन करके आई हैं? सभी घुसे हैं यहाँ पे भाई. ये अच्छा, मैं तो क्या लोगों को बताना चाहता था कि हम कॉमेडी के साथ साथ डांस भी जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं हमारे शो में. बधाई हो, तेरे इस एपिसोड की पेमेंट गई. पेमेंट गई मेरी? ये पता कितनी पेमेंट थी तुम्हारी? नोरा के साथ डांस कर रहा था. अगर ये मेरी पेमेंट थी तो भाई मेरा और भी डांस बनता है फिर, है कि नहीं, बताइए आप लोग. ठीक है तो ये कृष्णा का आखिरी डांस होगा. आइए. डांस गया तेल लगाने भाई, करना क्या है बताओ. उधर गुड नाइट बोलो सबको. हाँ हाँ गुड नाइट पूरा बोलना है. हाँ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए. आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जो जो ये कहता है वो करते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. आइए नोरा चलते हैं. एक मिनट नोरा. थैंक यू, गुड नाइट शबाब. किधर जा रहे हैं? ऐसे कैसे शो खत्म हो गया ना, बाहर तो हम नाच सकते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? तो कम बाय ऑडियंस. थैंक यू बाय. अच्छा जस्ट टेक केयर ऑफ. एक मिनट नोरा आराम चले. व्हाट? यस मैरिड. अरे सी यू आफ्टर 10 इयर्स. वी विल हैव सम नाइस डिनर. अरे व्हाट डिनर? ही इज मैरिड, बी अवेयर ऑफ हिम. तो तेरी शादी नहीं हुई? हां तो बहुत टाइम हो गया ना उस बात को, तो हो गया अभी काफी टाइम. तुम्हें क्या हो गया उसमें? कम की शादी भी है. हाँ पर ये दोनों शादी हमें सब सुनाई दे रहा है. नोरा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.